उस मौके की रागनी प्रेमी और सत्यवान का आखिरी समय आ जाता है, जो अभी मैंने और राधा जी ने रागनी सुनाई थी। सावित्री जी लिकड़े से मेरा, सावित्री कहती है लेट जा पियाजी सर दबा दूंगी तेरा, दोनों की बातें होती हैं, आखिरकार वो समय आ जाता है। प्रेमियों सत्यवान एकदम से जमीर के ऊपर लेट जाता है, एकदम से आंखें बाहर आ जाती हैं, मुंह के अंदर झाग आ जाते हैं। सावित्री सत्यवान के पास बैठी हुई रोने लग जाती है। यमराज आते हैं और सत्यवान के प्राणों को खींचकर वापस जाने की तैयारी कर लेते हैं। वो सावित्री यमराज के साथ साथ हो लेती है। प्रेमियों जब यमलोक के अंदर यमराज पहुंचे तो पीछे घूम के देखते हैं, सावित्री रोती हुई पीछे पीछे आ रही है। यमराज और सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं। बड़ी गमगीन बड़ी धार्मिक रागनी है, इस किस्से की अंतिम रागनी है, निचोड़ की रागनी है, रागनी कंपटीशन की रागनी है। किस प्रकार से सावित्री और यमराज के सवाल जवाब होते हैं, आइए मैडम राधा चौधरी जी सुनिए। हेलो 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 सावित्री कहिए महाराज। बेटी इस यमलोक के अंदर तू मेरे पीछे पीछे क्यों आई है, क्या कारण है? कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पति के प्राणों को आप अपने साथ में ले जा रहे हो और मुझसे अपने पीछे आने का कारण पूछते हो? सावित्री ये दुनिया का दस्तूर है, ये अटल सच्चाई है, जो इंसान इस पृथ्वी पर आता है, इस धरती पर आता है, एक ना एक दिन उसको जाना पड़ता है। और आज तेरे सत्यवान का भी अंतिम समय आ गया है, अपने सत्यवान के प्राणों को यहाँ पर छोड़ दे और इस यमलोक से वापस चली जा। नहीं, मैं यहाँ से वापस तब जाऊंगी जब अपने पति को लेकर के जाऊंगी। ये हरगिज नहीं हो सकता सावित्री, इस विधाता के नियम को कोई बदलने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए महाराज। कह दे अपनी बात सुनिए। ओ मेरी अरज सुनो या मेरा सुनो यमराज। प्रेमियों सावित्री आवाज लगाती है, मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले। एक एक बोल कवि ने चुन चुन के लगाया है। जो मेरे विद्वान श्रोता जो वास्तव में रागनी और भजनों को जानते हैं उनके लिए कवि ने रागनी लिखी। सावित्री फरियाद करती है, मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले। लेकिन यमराज क्या जवाब देते हैं, मेरी बात सुन ले सावित्री। और हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन यो कुदरत का नेम बेटी,
सत्यवान की, सत्यवान की जिंदगी इतनी यही आखिरी टेम बेटी। मेरे सत्यवान की जिंदगी इतनी यही आखिरी टेम बेटी। मेरा बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे माँ पिता की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे अरज सुनो यमरा। शायद तुझे पता नहीं क्या? इस संसार से एक बार कोई प्राणी चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। अब भी मेरी बात मान ले, इस यमलोक से वापस चली जा सावित्री। नहीं महाराज, नहीं जाऊंगी। तू क्या कहना चाहती है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति के मुझे प्राणों को दे दो, मैं वापस अपने घर चली जाऊँ। ये हरगिज नहीं होगा, सुन ले मेरी बात। कहिए महाराज। खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी ना डालूंगा। और चीज दिखे और चीज तू कुछ भी ले ले, अरी ना वचनों तहालूंगा। और चीज तू कुछ भी ले ले, पर ना वचनों तहालूंगा। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार कहा शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। अरज सुनो यमरा। बड़े भाई धर्मेंद्र फौजी, 200 रुपए से दोनों कलाकारों का सम्मान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए आदरणीय मनसा राम जी, अपने बच्चों को 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद महाराज। कह दे सावित्री, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो
तो मुझे तीन वचन दे दीजिए। प्रेमियों, इस रागनी की दो कली जा चुकी हैं, दो कली बची हुई हैं और दोनों कली ध्यान से सुनने के लायक है। सावित्री कहने लगी कि महाराज, अगर मेरे को कुछ देना चाहते हो तो पहले तीन वचन भर लो। यमराज तीन वचन भर लेते हैं, आगे किस प्रकार की बातें होती हैं सुनने के लायक बात है। क्या बताया नंबर तीन में, सुन ले। मेरी बेटी, मैं तीन वचन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन लेकिन क्या, एक शर्त मेरी भी है। कौन सी? सत्यवान के प्राणों को अगर मांगोगी तो हर चीज नहीं दिए जाएंगे। सत्यवान के प्राणों को छोड़ के कुछ भी मांग ले, मैं तीन वचन देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है महाराज, सुन ले मेरी बात। कहिए। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ मांगो, मेरा करो यकीन, राजपाट धन दौलत ले ले, चाहे ले ले बुद्धि परवीन, बेखटके ते बेखटके ते मांग ले बेटी, दे दिए वचन एक दो तीन, बेखटके ते मांग ले बेटी, दे दिए वचन एक दो तीन। दुश्मन ने छीन लिया वो वापस, राज हमारा दे दो, वचन तीसरा मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो, वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने ना चाहिए कुछ और, चाहिए कुछ और। बेटी तूने तीन वचन मांगे हैं, हाँ। मैं तेरे तीनों वचनों को पूरा करता हूँ। प्रेमियों ध्यान से सुनने की बातें हैं। सावित्री ने तीन वचन मांगे और यमराज तीन वचन देता है, किस प्रकार से सुनिए नंबर चार में, सुन ले सावित्री। सास ससुर तेरे जो अंधे आँखों का उजियारा दिया, एक वचन पूरा हुआ महाराज। छल से लिया मंत्री ने तुझको राज तुम्हारा दिया, और तीसरा वचन सुन ले जी। प्रेमियों अगर लाइन अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाना। वचन तीसरा तेरी कोख से री तुझको बेटा प्यारा दिया, वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। मैं अपने तीनों वचनों को पूरा कर चुका हूँ, अब तू अपनी बात कह दे। महाराज आपने मेरे दो वचन तो पूरे कर दिए, लेकिन तीसरा वचन अभी भी पूरा नहीं हुआ। कह तो दिया कि वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। अच्छा, तथास्तु। लेकिन आपको नहीं पता महाराज, सुनिए। हे रे ख्याल करो हरे राम बैसले, ओ हो हो ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल
अकल ठिकाने लियाओ रे, बिना पति कैसे पतिव्रता के बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे इस भारत देश के अंदर हुई हैं। उस सावित्री ने यमराज की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, यमराज को अपनी तपस्या के जाल में फंसा लिया। क्या कहना चाहती हो सावित्री? महाराज मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस सती औरत का सती मर्द इस दुनिया में ना हो, वो बिना पति के माँ कैसे बन सकती है, ये बताइए। या तो मेरे पति को जिंदा कीजिए या वचन हार हो जाइए। मुझे नहीं पता था बेटी कि तू मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा करेगी। ये धोखा नहीं है। तूने वचनों के जाल में फंसाकर इस यमराज की बुद्धि को हट लिया, और जा मैं भी अपने वचन को पूरा करता हूँ। मेरी बात सुन। ओ यम राज हुए लाचार, यम राज हुए लाचार, हार के फिर प्राण लाश में डारे। मेरी अरज सुनो